नमस्कार, जय माता जी। दोस्तों, मैं दिनेश पी जोशी आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर दिनेश जोशी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन की घंटी को दबाएं या सब्सक्राइबर बटन दबाएं, जिससे आने वाले टाइम आपको ज्योतिष से संबंधित नए नए वीडियो मिलते रहेंगे और अगर आपकी ज्योतिष से संबंधित कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होता रहेगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे विषय पे बताऊंगा या एक ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे, आपने हर घर में या कहीं होटलों में घोड़ों की फ़ोटो तो देखी होगी। अब वो घोड़ों की फ़ोटो क्यों लगाई जाती है, किस लिए लगाई जाती है, ये भी आप जान लीजिए। वास्तुशास्त्र और घोड़े, सात घोड़ों की फ़ोटो। अगर आपका व्यापार अच्छा खासा चलता, व्यापार ठप हो गया है, परिवार की खुशियां चली गई हैं और नित नए कष्ट क्लेश घर में हो रहे हैं, समस्या ख़त्म नहीं हुई है, व्यापार धंधे में रुकावट हो गई है, पैसे की कमी आ गई है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, मानसिक परेशानियां और बीमारियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, समस्या कैसे सुलझे जानना मुश्किल हो रहा है, तो कैसे उस समस्या का समाधान पाया जाए और कैसे उस विमुक्ति मुक्ति पाई जाए, तो ज्योतिष और वास्तुशास्त्र का गहरा रिश्ता गया है। वास्तु, ज्योतिष और वास्तु एक दूसरे के पर्याय है। आपको जो सामान्य वास्तु टोटका बता रहा हूँ, ये करके आप अपने जीवन से ज्योतिष संबंधित या वास्तु संबंधित समस्या का नाश कर सकते हैं। आपके घर में अगर वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है तो उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। उसके लिए क्या करना है, आपको सात घोड़े की फ़ोटो लानी है। घोड़ा वास्तुशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर बताया गया है और हिंदू धर्म में भी उसको बहुत महत्व दिया गया है। घोड़े अश्विनी कुमार से लिया गया नाम है। आपको क्या करना है, सात घोड़ों का रथ, भगवान सूर्य भी विराजमान है, आपने देखा होगा, तो घर में सात घोड़ों की तस्वीर लगानी है। ध्यान रखें, सात ही होने चाहिए, घोड़े कमज़ोर नहीं होने चाहिए, मजबूत दौड़ते हुए घोड़े होने चाहिए। वो घोड़ों की फ़ोटो आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके लगानी है, दक्षिण की तरफ घोड़े दौड़ते हुए होने चाहिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ, क्योंकि उत्तर माँ लक्ष्मी की दिशा है, कुबेर की दिशा है और उस दिशा से धन आता हुआ है। तो घोड़ों की तस्वीर हो सके दक्षिण की मुँह की हुई होनी चाहिए और घोड़े की मुंह हमेशा घर के अंदर हो, बाहर जाते हुए ना लगाए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। ये लगाने से आपके व्यापार धंधे में धीरे धीरे सुधार आ जाएगा, रुका हुआ डूबा हुआ व्यापार भी बढ़ेगा, धंधा भी चालू होगा और कष्ट पीड़ा भी मिटने लगेगी। ये एक सामान्य टोटका है, ये करने से आपको सफलता मिल सकती है। अगर ये करने के बाद में भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है, उससे मुक्ति चाहते हो, तो फिर आप हमसे संपर्क करें। आप सभी मित्रों की समस्या का समाधान किया जाएगा, निकाल किया जाएगा, जिससे आपका जीवन आनंद मंगलमय हो। हमसे जुड़ने के बाद सैकड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, आप भी उस परिवर्तन का हिस्सा बने और अपना जीवन आनंद मंगलमय बनाएं। इसी के साथ अब मैं दिनेश पी जोशी आपसे विदा लूँगा। हर हर महादेव।